चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। एकदम बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका हम लोग समझेंगे, बहुत सिंपल, एग्जाम में आएगा और सेकेंडों में आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिएगा ऐसा त्रिक आपके पास, जैसे देखिए आपका त्रिभुज मौजूद है, तो पहला जो त्रिभुज है इसमें तो एक ही त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या निकलेगी वो आपको सिर्फ एक निकलेगी। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रही होगी, एक यहाँ त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज और एक ये पूरा त्रिभुज है, मतलब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे, तीन। कैसे देख सकते हैं, एक ये और एक ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा तीन। अब यहाँ पर त्रिभुज जब इस प्रकार का आपको दिया हो, जब लाइनिंग पर लाइनिंग त्रिभुज में आपको दिया हो, तब क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, उसके आधार से त्रिभुज गिनना शुरू कर देते हैं। ये पहला एक, फिर ये दो, तीन, चार। तो यहाँ पर जो भी, मतलब जहां तक भी जाएगा आपका काउंट होगा, उन सभी को जोड़ देंगे, त्रिभुज की संख्या आ जाएंगी। जोड़ दो यहाँ पर क्या क्या है, एक आप प्लस दो आप प्लस तीन आप प्लस चार, जोड़ दो, एक दो तीन, तीन तीन छः, छः चार कितना हो गया, दस हो गया। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, दस हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आधार से काउंट कर लेना, बस गिन लेना आपको, एक दो तीन चार पाँच दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या सबको जोड़ लेते हैं, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच, ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है, पंद्रह, पाँच चार नौ तीन बारह तीन पंद्रह, पंद्रह आ जा रही है। मतलब इसमें जो भी त्रिभुज बनेंगे वो कितना बन जाएंगे, पंद्रह त्रिभुज आपका बनेगा। मान लो कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी काउंट करेंगे आधार से एकदम लाइन से, एक दो तीन चार पाँच छः सात, काउंट कर लिए। अब सभी को जोड़ लीजिए यहाँ पर, देखते हैं, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच और प्लस छः प्लस सात, जोड़ लेते हैं यहाँ पर, एक दो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, पाँच पंद्रह, छः इक्कीस, आ इक्कीस आ सात हो जाएगा अट्ठाईस। यानी यहाँ पर जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, आठ बन जाएंगे। तो आधार से संबंधित जितना भी मतलब रहेगा ना, उन सभी को काउंट कर लेते हैं और जोड़ देते हैं, आपका त्रिभुजों की संख्या निकल जाती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ से एक रेखा फिर डिवाइड कर दिया गया, तो जब रेखा डिवाइड कर दिया गया तो फिर आपका वही हुआ, एक दो तीन चार, मतलब जब क्या ना, एक ही त्रिभुज के अंदर एक और रेखा डिवाइड कर दी जाए, तो क्या करें, जितना त्रिभुज की संख्या नीचे वाले क्या उससे गुना कर देंगे, दस आया तो दस का दो से गुना कर देंगे, बीस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो यहाँ पर फिर डिवाइड कर देगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया, पंद्रह, तो पंद्रह में दो से गुना कर देंगे, तीस आ जाएगा। अच्छा मान लो कि एक और डिवाइड कर दिया गया, तो किसमें गुना, पंद्रह में तीन से गुना कर देंगे, पंद्रह गुना तीन कितना हो जाएगा, तो पैंतालीस हो जाएगा। जितना बार एक का निकाल लेते हैं नीचे वाले से, एक एक आधार से निकाल लेते हैं, जितना बार डिवाइड किया उससे गुना कर देंगे, तो तीन बार हो गया, तो पंद्रह गुना तीन। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा आपका ये होगा और एक रेखा आपका ये होगा, कितने आधारों में बांट दिया, तो एक दो तीन चार आधारों में बांटा। देख सकते हैं कि नीचे एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसमें कितना त्रिभुज बन रहे, टोटल अट्ठाईस बन रहे, तो अट्ठाईस में आप चार से गुना कर देंगे, तो चार आठ है बत्तीस का दो, और देख सकते हैं चार दो ना आठ तीन ग्यारह, यानी यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज बनेंगे वो बन जाएंगे आपका 112। तो समझ में आ रही है कैसे आपको हल करना। अच्छा मान लो एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मान लीजिए आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है आपके पास, अब इसमें हम क्या करें, ऐसा रेखा पार दिए, ठीक है, और इसमें क्या किए, ऐसा आपका एक लाइन है। अब मैं पूछूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो पहले और नीचे वाले आधार से काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच तक गया तो उसमें पंद्रह त्रिभुज है, इसको दो भागों में डिवाइड किया तो दो से गुना करने, पंद्रह गुना कितना होगा, तीस, यानी इसमें जो भी तीस बनेंगे क्योंकि दो भागों में डिवाइड किया, एक ऊपर, ठीक है ना, तो पंद्रह गुना कितना होगा, तीस, पंद्रह कैसे हो गया, तो देख सकते हैं पाँच तक जब गया तो काउंट किया, पंद्रह त्रिभुज बन गया, तो पंद्रह का दो से गुना कर दें कितना हो जाएगा, तीस हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुजों में जब दिए रहेंगे तो आपको त्रिभुजों की संख्या इस तरीके के द्वारा क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना, इस तरीके का आपको यूज करना है, आधार के द्वारा सारे त्रिभुज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब चलिए इसका एक दो और एग्जाम्पल बेसिक हम लोग देखते हैं। अब जरा इनके अंदर आप त्रिभुजों की संख्या बताइए, जैसे देखिए आप पहला जो पिक्चर है इसके अंदर तो त्रिभुज आप बता सकते हैं कि दो त्रिभुज है, एक और एक दो त्रिभुज है, ठीक है ना, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या दो हो जाएगी, लेकिन यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसकी जरा सब लोग पता करते हैं। देखो इसके लिए काउंट करेंगे लाइन से, एक दो तीन चार, चार त्रिभुज हो गया। ऐसे जेन्युइन तरीके से चलते हैं, देख सकते हैं एक इधर बन रहा है, एक ये त्रिभुज, ठीक है ना, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, कहने का मतलब चार और त्रिभुज बन रहा है, यानी इस चित्र के अंदर आपको चार काउंट किए, चार और दो से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आठ। ऐसे भी आप गिनेंगे तो चार को तो ऐसा त्रिभुज बन गया, लेकिन देखो एक ये खड़ा त्रिभुज बन गया, एक आपका ये त्रिभुज बन गया, एक आपका ये त्रिभुज बन गया और एक आपका ये त्रिभुज बनेगा, तो टोटल आठ त्रिभुज इसके अंदर बनते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप काउंट कर लेंगे इसको, कहाँ तक काउंट हो रहा है, कहाँ तक गिन सकते हैं, चार तक हो गया उसमें दो से गुना कर देंगे, सिर्फ काउंट करना, दो से गुना करना। जैसे यहां पर देखो, यहां भी काउंट करते हैं, एक दो
तीन चार पाँच छः हो गया, तो क्या करेंगे, छः से दो, छः का दो से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, यानी यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, बारह। जैसे यहाँ पर त्रिभुज की संख्या देखते थे, काउंट करते इसको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, तो आठ का दो से गुना कर देंगे, आठ दूना कितना हो जाएगा, सोलह। यानी इस त्रिभुज में, इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, सोलह। तो सिर्फ काउंट कर लेना है, इस पिक्चर को छोड़कर काउंट करना है, और उसके बाद दो से गुना कर देना है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, एक में एक दो तीन चार, सब में वैसे चलेगा, एक दो तीन चार, तो इसमें भी आठ, मतलब चार गुना दो करेंगे आठ हो जाएगा, इसमें भी आठ बन गया। लेकिन ध्यान देंगे, आठ आठ सोलह ही त्रिभुज नहीं बनेंगे, एक और बनेंगे। यहाँ पर देखो, ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये, तो यहाँ पर दो और त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे, तो आठ इसमें आठ इसमें, ठीक है ना, आठ दो एक्स्ट्रा बन रहे, तो आठ प्लस आठ प्लस दो कर देंगे, आठ आठ सोलह, आठ दो कितना हो जाएगा, अठारह। यानी इसमें जो त्रिभुज बनेंगे वो कितना बनेंगे, अठारह बन जाएंगे। हालांकि इसमें बताइए आप, तो ध्यान दीजिए, इसमें तो आठ त्रिभुज बनेंगे, इसमें भी आठ बनेंगे, इसमें भी आठ बनेंगे, अब देख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो सिक्का है यहाँ, इसके कारण से दो त्रिभुज, एक ऊपर एक है नीचे से, ठीक है ना, इस सिक्का के कारण से एक त्रिभुज ये और एक यहाँ से, तो मतलब इसमें दो, इसमें दो, यहाँ पर चार एक्स्ट्रा और त्रिभुज बन रहे, तो आठ आठ आठ, यानी आठ प्लस आठ प्लस आठ, और चार एक्स्ट्रा और त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज की चौबीस चार हो जाएगा अट्ठाईस, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, अट्ठाईस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इस पिक्चर को देखो, अब यहाँ पर भी इसमें भी आठ बनेगा, इसमें भी आठ बनेगा, इसमें भी आठ बनेगा, इसमें भी आठ बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, ये जो बिंदु है, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा, फिर इसके नीचे वाले बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा, यानी यहाँ इस जोड़ पर दो त्रिभुज बनेगा, इस जोड़ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से भी दो त्रिभुज बनेगा, यहाँ से भी दो त्रिभुज बनेगा, तो कहने का मतलब छह त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनेगा, एक ऐसे, यानी इस सिक्कम के कान से दो, इस सिक्कम के कान से दो, इस सिक्कम के कान से दो, तो दो चार छः एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे, ठीक है ना। तो इन सभी को ऐड करो, पहले आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ, आठ और छः एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे, तो और चौका ये आठ 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 चौका बत्तीस, और छः कितना होगा, अड़तीस, यानी यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, अड़तीस हो जाएंगी। अब इस चित्र में ध्यान दो, अब देखो इसमें आठ और नीचे वाले में आठ बनेंगे, टोटल त्रिभुज हम निकालना चाहते हैं, आठ प्लस आठ प्लस आठ। अब देखो यहाँ पर है, ये जो सिक्किम है, इसके कारण से देख सकते हैं, ये त्रिभुज और एक यहाँ से ये त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ से भी चलते, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, ठीक है ना, एक यहाँ से, तो दो और दो, यहाँ पर चार त्रिभुज बन गया, और एक और त्रिभुज ध्यान दीजिए, ये वाला एक त्रिभुज आपका बन रहा है इस साइड से, दिखाई दे रहा है पूरा है ये आपका त्रिभुज, तो ऐसे दो बन गया, यहाँ से भी दो बन गया, तो चार एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, यानी पांच एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा, तो अट्ठी की चौबीस और पांच हो जाएगा उनतीस, यानी यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा उसकी संख्या हो जाएगी उनतीस। अब इस पिक्चर में आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान देंगे, इसमें आठ, इसमें आठ, इसमें आठ, इसमें आठ, चार ही तरह का ना आपका पिक्चर है उसमें। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो ध्यान देंगे, पहले तो हम सारा ऐड कर देते हैं, आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ सिक्कम में ये जोड़ लेकर चलेंगे, ये यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, यानी इस सिक्कम पर चलेंगे तो एक त्रिभुज, इस सिक्कम पर चलेंगे मतलब यहाँ से चलेंगे दो त्रिभुज, और यहाँ चलेंगे दो त्रिभुज, यहाँ चलेंगे दो त्रिभुज, यहाँ चलेंगे दो त्रिभुज, यानी लगभग लगभग देखी जाए तो आठ त्रिभुज आपका बनेंगे अभी, ठीक है ना। और भी बता रहा हूँ, अभी आठ त्रिभुज आपका यहाँ पर बनने वाले हैं, ध्यान से सारी बातों को समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है, अभी तो आप आठ प्लस आठ प्लस आठ कर दिए, ठीक है ना, ये तो आपको चार तरह का था, यहाँ पर जेन्युइन था ये। अब देखो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से दो त्रिभुज, फिर यहाँ से चलेंगे तो ये और ये दो त्रिभुज, यहाँ से चलेंगे ऐसे तो ऐसे आपका दो त्रिभुज, ऐसे चलेंगे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे एक त्रिभुज, यहाँ से चलेंगे एक त्रिभुज, यानी दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, आठ त्रिभुज आपका भी बन रहे हैं। और अभी और एक त्रिभुज बनेगा, ध्यान दो, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा ऐसे, एक त्रिभुज ये बनेगा, और फिर एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा ऐसे, ये वाला भाग, ठीक है ना। अब फिर एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, फिर एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, यानी चार त्रिभुज और बनेगा। यानी इसमें देखी जाए तो दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ आठ, और यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज नौ, यहाँ से एक ऐसे त्रिभुज दस, यहाँ से एक ऐसे त्रिभुज, और यहाँ से एक ऐसे त्रिभुज, मतलब बारह त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। अब जोड़ो तो आठ पे चालीस हो जाएंगे, चार चौवालीस, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो चौवालीस हो जाएंगी। कैसे निकाला मैंने, तो आठ या आठ 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 चौका बत्तीस हो गया, और इस सिक्कम के कारण से दो दो यहाँ से भी त्रिभुज बनेगा, दो यहाँ से भी त्रिभुज बनेगा, दो यहाँ से भी त्रिभुज बनेगा, दो, तो आठ हो गया। और एक्स्ट्रा देखते हैं तो ऐसे चलते हैं, एक त्रिभुज ऐसे चलेंगे, दूसरा त्रिभुज ऐसे, तीसरा त्रिभुज ये, चौथा त्रिभुज, चार और एक्स्ट्रा त्रिभुज आपका बन रहा है, तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो चौवालीस त्रिभुज आ गया। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे पिक्चर में क्या करना, आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये वीडियो आपको त्रिभुजों की संख्या निकालने की पार्ट वन रहेगी। अब पार्ट टू में और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर और नई नई फॉर्मूला लेकर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नई यानी पार्ट टू के साथ इसके मिलेंगे।